प्रश्न है, हल कीजिए। समीकरण है 2 cos²x + 3 sin x = 0। हम इस cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a होता है, अर्थात cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो उससे यह समीकरण sin के रूप में आ जाएगा। तो हमने समीकरण में cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x बराबर 0, यह हमारा समीकरण बन गया। दिस इंप्लाइज 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x बराबर 0। माइनस से पूरे समीकरण को गुणा कर दें तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 बराबर 0। द्विघाती समीकरण है, हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड करने में हमें मध्य पद को विभक्त करना है, 2 × 2 = 4, और यदि हम 4 माइनस 1 करें तो हमें 3 मिल जाता है, अर्थात दिस इंप्लाइज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0, यह हमारा समीकरण बन गया। माइनस 3 साइन एक्स को मैंने माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया, कॉमन लेते हैं 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2, यहां प्लस 1 कॉमन आ गया, साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में आ गया बराबर 0। दिस इंप्लाइज साइन एक्स माइनस 2 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब या तो यह खंड 0 के बराबर है या दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर है। तो यदि साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0 है तो साइन एक्स बराबर हो गया 2 के। अब साइन एक्स का मान 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स जो साइन फलन है वो माइनस 1 और 1 के बीच में होता है। तो चूंकि साइन एक्स जो है वो माइनस 1 और 1 के बीच में होता है, इसलिए साइन एक्स बराबर 2 असंभव, इंपॉसिबल है, हमको इसको रिजेक्ट करना है। तो यहां साइन एक्स बराबर 2 को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा खंड 0 के बराबर करते हैं, तो 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर है 0। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ऐसा हमको मिलेगा। साइन का मान माइनस कब कब हो सकता है, देखो यहां पर साइन प्लस में है, यहां पर भी साइन प्लस में है, एक तो साइन यहां पर माइनस में होगा, तीसरे चतुर्थांश में होगा और एक चौथे चतुर्थांश में होगा। साइन 1/2 कब होता है, पाई बाई सिक्स पे, क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स अर्थात 30 डिग्री 1/2 होता है, ये मान 1/2 के बराबर है। तो यदि मैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये प्राप्त करूं तो मुझे ऋणात्मक मान मिल जाएगा। तो ये मान क्या लिख सकता हूं मैं, -1/2 प्राप्त करने के लिए साइन 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स, ये मान -1/2 के बराबर होगा। ये कितना हो गया 6 पाई प्लस पाई अर्थात 7 पाई बाई सिक्स। तो ये साइन 7 पाई बाई सिक्स यदि मैं ले लूं तो वो मान -1/2 होगा। यहां हम इस मान को साइन 7 पाई बाई सिक्स लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाइज साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई सिक्स, ऐसा हमें मिलता है। अब हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो थीटा बराबर एन पाई
प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा, जहां एन बिलोंग्स टू जेड है, ये हमारा व्यापक हल होता है। तो इस व्यापक हल के लिए हम अल्फा हमको क्या लेना है, 7π/6 लेना है। तो इसलिए व्यापक हल होगा एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन 7π/6, जहां एन बिलोंग्स टू जेड। ये हमारे को दिए गए समीकरण का व्यापक हल मिलता है। प्रश्न है, समीकरण साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/4 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। हम यदि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में बदल दें तो हम ये समीकरण को कॉस के एक समीकरण के रूप में बना लेंगे, जहां हम व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos² θ लिख देता हूं और इस समीकरण को कॉस के रूप में बना लेता हूं। दिस इंप्लाइज 1 - cos² θ माइनस कॉस थीटा बराबर 1/4। पक्षांतरण किया तो यहां माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस का कॉस थीटा है एक है, प्लस का एक और माइनस का 1/4, ये 0 के बराबर हो गया। 4 हम लघुत्तम ले लेते हैं तो 4 हमारा लघुत्तम हो गया, माइनस 4 cos² θ माइनस 4 cos θ प्लस 4 - 1 = 0, ये हमें मिलता है। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 हो जाएगा, समीकरण क्या हो गया, और माइनस से इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 cos² θ प्लस 4 cos θ माइनस 3 = 0, ये हमारा समीकरण बन गया। 4 × 3 = 12, हमें घटाने के बाद 4 मिलने चाहिए तो 6 × 2 = 12, अर्थात इसको हमें 6 cos θ माइनस 2 cos θ ऐसा लिखना है। तो दिस इंप्लाइज 4 cos² θ प्लस 6 cos θ माइनस 2 cos θ माइनस 3 = 0, ऐसा प्राप्त करते हैं। 2 cos θ कॉमन आया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 cos θ प्लस 3, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां आ गया 2 cos θ प्लस 3 = 0। 2 cos θ कॉमन प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2 cos θ प्लस 3 कॉमन लेने से ब्रैकेट में क्या आ गया, 2 cos θ माइनस 1 = 0। यदि पहला खंड 0 के बराबर है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 cos θ प्लस 3 0 के बराबर है, अर्थात cos थीटा बराबर हो गया माइनस 3/2 के। अब हम जानते हैं कि cos थीटा का मान माइनस 1 और 1 के बीच में होता है, ये तो इस अंतराल में है नहीं, तो इस मान को तो हमने कर दिया रिजेक्ट, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए cos थीटा माइनस 3/2 के बराबर है, इस खंड को हमने कर दिया रिजेक्ट। तो हमारे को जो इससे मान मिलेगा वही हमारा अभिष्ट हल देगा। तो 2 cos θ माइनस 1 = 0 जो हमें देता है cos थीटा बराबर 1/2, अर्थात जो थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि cos 60 डिग्री 1/2 होता है। 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, थीटा बराबर हो गया π/3 के। अब हम जानते हैं कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो तो व्यापक हल थीटा बराबर क्या होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू z होता है। तो हमारा समीकरण अब किस रूप में आ चुका है, cos थीटा बराबर cos π/3,
इस रूप में आ चुका है, अल्फा क्या है पाई बाई थ्री है, तो इसलिए व्यापक हल क्या होगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, जहां n बिलोंग्स टू z है। ये हमारा दिए गए समीकरण का व्यापक हल होगा।